गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट इज हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग एंड विनोइंग। खेतों में जब फसल तैयार हो जाता है उसके बाद का ये प्रोसेस है, उसको हार्वेस्टिंग करना, थ्रेसिंग करना एंड विनोइंग करना। एक एक करके जानते हैं कि इन तीनों प्रोसेस में करते क्या हैं। तो फर्स्ट है हार्वेस्टिंग। अब जो फसल तैयार हो जाता है खेतों में उसको काटने के प्रोसेस को बोलते हैं हार्वेस्टिंग। कटिंग ऑफ क्रॉप्स इज नोन एज हार्वेस्टिंग। अब ये क्रॉप्स को कट करने का दो तरीका है, या तो मैनुअली करेंगे या तो मशीन से करेंगे। तो ये एक हो जाता है मैनुअल मेथड, जिसमें कि किसान लोग खुद से काटते हैं उसको, और दूसरा है या तो मशीन की मदद से काटेंगे। तो मैनुअल मेथड में एक इस तरीके का एक औजार होता है, आप लोगों ने देखा होगा, ये इससे किसान अपने हाथों से काटता है सारे फसलों को, जिसमें बहुत मेहनत लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है। लेकिन आज के ज़माने में क्या हो गया, मशीन आ गए हैं, तो मशीन से बहुत जल्दी होता है। मैनुअल मेथड में, अच्छा इसको बोलते हैं सिकल, SICKLE, इससे काटते हैं या फिर मशीन से काटते हैं। मशीन में बहुत सारे जो है अलग अलग तरीके के आ गए हैं, जिससे जिसका नाम है हार्वेस्टर, ट्रैक्टर के पीछे लगा होता है, तो ये हो गया हार्वेस्टर। नेक्स्ट प्रोसेस है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग मतलब होता है सेपरेशन ऑफ क्रॉप फ्रॉम द क्रॉप स्टॉक। जो कटे हुए फसल हैं, कटे हुए फसल में से जो उसका दाना है, बीज है, गेहूँ, उसको अलग करने का प्रोसेस है। किससे? क्रॉप स्टॉक में से। अब क्रॉप स्टॉक से इसको अलग कैसे करते हैं? आप लोगों ने देखा होगा कि किसान जब फसल काट के लाते हैं तो उसको पत्थर पे पटकते हैं। पत्थर पटकने से उसका जो सीड है, गेहूँ है, वो उसके स्टॉक से अलग हो जाता है, कुछ इस तरीके से। ये जो है गेहूँ का एक दाना, और ये इसका जो है, इसको कवर किया हुआ जो इसका स्टॉक है, ये इससे अलग हो जाता है। तो इस तरीके से, या तो अब इसमें भी दो तरीका है, या तो मैनुअल मेथड, यानी कि उसको पत्थर पे पटकिए और पत्थर पटकने के बाद ये इस जो है इसको छोड़ देगा, अलग अलग हो जाएगा, या फिर दूसरा जो है थ्रेसर का यूज़ करते हैं। तो थ्रेसर से जल्दी होता है और ईजी होता है। और अब के ज़माने में ऐसे मशीन्स आ गए हैं जिसमें कि ये दोनों प्रोसेस एक साथ होता है, हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग एक साथ हो जाता है। तो ये कंबाइंड प्रोसेस होता है, उसमें समय भी कम लगता है और इजीली हो जाता है, ज़्यादा मेहनत नहीं लगता। नेक्स्ट मेथड है विनोइंग। जब पत्थर पे पटकने के बाद ये गेहूं के से इसका छिलका अलग हो जाता है इस तरीके से, तो ये दोनों एक साथ मिक्स होते हैं, जिनको इस छिलके को बोलते हैं शेफ। अब इसको, ये दोनों मिक्स है, हमको सिर्फ गेहूँ चाहिए। ये छिलका जो है हल्का होता है, गेहूँ भारी होता है। अब इसी इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं विनोइंग मेथड में। विनोइंग मेथड में करते क्या है कि इस सब को जो है एक हाइट से ड्रॉप करते हैं। सपोज़ इतने हाइट से हम इसको ड्रॉप कर रहे हैं, और यहाँ पे एक लगा दिए हैं फैन। अब ये फैन तेज़ी में हवा फेंक रहा है, और इसके साथ साथ जो सीड्स हैं, यानी कि ये गेहूं का जो बीज है ये, और इसके शेफ, ये दोनों यहाँ से गिर रहे हैं। लेकिन गेहूं भारी है तो ये हवा के कारण उड़ेगा नहीं, ये नीचे ही गिर जाएगा। तो नीचे में जो इकट्ठा होगा वो गेहूं आ जाएगा, और इधर क्या होगा, ये उड़ उड़ के इसके जितने भी जो भूसा है, जिसको बोलते हैं, वो उड़ के इधर सेपरेट हो जाएगा। तो इस तरीके से दोनों सेपरेट हो जाते हैं। इसी प्रोसेस को बोलते हैं विनोइंग, यानी कि हवा की मदद से, तेज़ हवा की मदद से अलग अलग करना दोनों को, भूसे को गेहूं से अलग कर देना। नेक्स्ट टॉपिक है स्टोरेज, स्टोरेज ऑफ क्रॉप्स। अब जब क्रॉप्स अलग हो चुके हैं तो उनका स्टोरेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उसको प्रॉपर तरीके से स्टोर नहीं किया गया तो सारा का सारा मेहनत मिट्टी में मिल जाएगा, सारा का सारा क्रॉप ख़राब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्रॉप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं मॉइस्चर से, पेस्ट से, इंसेक्ट्स वगैरह से, रोडेंट्स से। तो इनको अगर वैसे ही स्टोरेज कर दिया गया बिना ढंग से उसका सिस्टमेटिक ढंग से किए बिना,
नेक्स्ट टॉपिक है स्टोरेज। अब क्रॉप का स्टोरेज करना बहुत ज़रूरी है एक सिस्टमेटिक ढंग से। अगर सिस्टमेटिक तरीके से क्रॉप्स को स्टोर नहीं किया गया तो सारे के सारे क्रॉप्स जो हैं वो ख़राब हो सकते हैं और सारा मेहनत जो है वो बर्बाद हो जाएगा। इसलिए इसके स्टोरेज के लिए बहुत अलग तरीके का एक प्रोविज़न रखना पड़ता है, जहाँ पे कि मॉइस्चर से उसको बचाया जा सके, इंसेक्ट से बचाया जा सके और तरह तरह के रोडेंट्स जैसे रैट हो गया उससे भी बचाया जा सके। अब स्टोरेज करने से पहले क्या क्या करते हैं, प्रोसेस कौन कौन सा अपनाते हैं ये देखते हैं। सबसे पहले जो क्रॉप्स होता है उसको सूरज के रोशनी में सुखाते हैं, ग्रेन्स आर ड्राइड इन सन। उसके बाद उसको पैक करते हैं गनी बैग्स में या फिर मेटालिक बीन्स में। गनी बैग्स में पैक कर देते हैं जो बोरा होता है या फिर मेटालिक बीन यानी मेटल्स के जो है बहुत बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं उसमें पैक कर देते हैं। उसके बाद उसको स्टोर किया जाता है वेंटिलेटेड गोडाउन में। वेंटिलेटेड मतलब जहाँ पे कि अच्छी तरीके से एयर का फ्लो हो सके, एक तरफ से हवा जाए और एक तरफ से हवा निकल जाए उस रूम से, पूरा पैक्ड रूम ना हो। उसके बाद उसमें रखने के बाद उस जो गोडाउन होता है उस गोडाउन को समय समय पर पेस्टिसाइड्स उसमें डाले जाते हैं, स्प्रे किए जाते हैं ताकि इंसेक्ट्स वगैरह उसमें ना लगे और जो रोडेंट्स हैं जैसे रैट वगैरह वो भी भाग जाए, वो भी उसमें ना रहे। और अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रेन्स होता है जैसे कि जो जब गवर्नमेंट खरीदती है किसानों से तो वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है अन्न, तो उसको स्टोर करने के लिए ग्रेनरीज का ही उपयोग किया जाता है या सिलोज का। तो यह सिलोज क्या होते हैं इसका डायग्राम देख लीजिए, इस तरीके से होता है ये, इस तरीके का होता है, चिमनी लाइक स्ट्रक्चर होता है बहुत ऊंचा ऊंचा, इसके अंदर पूरा का पूरा बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे अनाज को रखा जा सकता है। तो ये दोनों टॉपिक पे नोट्स बना के रखिए, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे पढ़ेंगे।